कहीं पे भी किसी भी टाइगर रिजर्व में ना हम लोग प्लांट कर सकते हैं और ना ही निकाल सकते हैं। वो डिकाले एरिया में तो सारे साल फॉरेस्ट है। मोटा साल नेचर का ये पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, कोई भी पत्ता है या कोई लकड़ी है, हम लोग यहाँ से उठा के नहीं ले जा सकते। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है, ये इसको खा के मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है। मिट्टी खाद के रूप में काम आ रही है, उसी मिट्टी में सब चीज़ उठ रहा है। और जितना ये ज़मीन से ऊपर बना हुआ है उतना ही ज़मीन के अंदर भी होता है, अंदर मॉइस्चर होता है ना, मॉइस्चर के कारण ही ये फिर ऊपर को बिल्ड करते रहते हैं। वर्टिकल में लीजिए मैडम, वर्टिकल में पूरा आ जाएगा खड़ा करके। ये टर्माइट की हाइट जितनी हाइट है उतना ही ग्राउंड के अंदर भी गया होता है। साल के पेड़ में अगर आप देखेंगे ना तो इसमें गैलरी सी बनी होती है, लाइन बनी होती है पूरा पेड़ में, तो इसी के सहारे ये ऊपर को चढ़ती है। क्योंकि दीमक जो है इसको सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, दीमक को सनलाइट, सनलाइट में ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाती है, तो इनको अपने ऊपर जो कवर बनाते हैं उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसी के सहारे पेड़ पर चढ़ते हैं। और पेड़ को जो फायदा होता है वो जो पेड़ में जो बार्क है पुरानी, इसको ये खड़े पेड़ पे ही खा लेती है, मिट्टी में कन्वर्ट कर देती है। तो दोनों का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना हुआ है जिसमें दोनों को ही हेल्प मिलती है, इसलिए ज़्यादातर साल फॉरेस्ट में टर्माइट हिल बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक क्लाइंबर है, काफ़ी सारे क्लाइंबर भी है यहाँ पर। ये अंडर स्टोरेज में आ जाते हैं सारे, अंडर स्टोरेज ट्री बोलते हैं इनको, जो एलिफेंट लाइक करता है इसको, रोहनी। इसका जो थोड़ा बहुत हल्का मीठापन होता है इसमें, इसका जब एलिफेंट तोड़ता तो है इसको पूरा पेड़ निकाल तोड़ देता है, लेकिन पूरा पेड़ का कुछ ही भाग होता है जो एलिफेंट लाइक करता है, इसीलिए एलिफेंट का जो खाने का वो है ना टाइमिंग, वो ये जो ज़्यादा डेंसिटी है उसको कम करके रखता है, कि उसको जहाँ पे ज़्यादा डेंसिटी, एक गार्डनर के तौर पे वो जंगल में काम करता है, कि ज़्यादा डेंसिटी है उसको हटा दिया और चीज़ उगने में मदद होती है। वो करता है फाइकस को, तो इसीलिए कभी ग्रो नहीं कर सकता। तो इसका ग्रो करने का तरीका होता है, ये ऊपर से पेड़ में कहीं पर दो ब्रांचेज है, तीन ब्रांचेज है, बीच में अटकने का है, ऊपर से हॉर्नबिल ज़्यादा करती है, हॉर्नबिल खाया है सीड को, सीड इधर किया इधर अटक गया, उसके बाद वहीं से ये ग्रो कर रहा है इस पेड़ पे। तो ये यहाँ पे जितने भी हैं ये फाइकस ट्री जितने भी हैं ये पैरासाइट नहीं होते हैं, पैरासाइट जो होता है वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाता। स्ट्रैंगलर फिग, हाँ ये स्ट्रैंगलर फिग होता है, ये सब किलर ट्री होते हैं, एक दूसरे अब ये धीरे धीरे इसको कैप्चर कर लेगा, एक समय आएगा सिर्फ बेनिन ट्री रहेगा इधर, ये पेड़ खत्म हो जाएगा। ये कौन सी पेड़ है? ये साल का पेड़ है, साल का पेड़। हाँ, साल के पेड़ के ऊपर आ गया बेनिन ट्री, फाइकस। फाइकस में यहाँ पे बरगद है, पीपल है, वो है क्या कहते हैं, खाबड़ है, लेकिन अभी है नहीं टाइम, इसको बच्चे तो चले गए होंगे ना। ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल।